हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेटा 827 में। आज हम 5000 प्लस क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरी की तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या है। तो 1:4 है। जैन मतालंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था, तो प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ चलते हैं, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो रॉकी पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं, शेनझाओ द्वितीय एवं शेनझाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। तो चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी। तो ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है, गांधी जी अपने देश में आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए ये दिवस गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तभी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लग गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है। तो अतरंकित प्रश्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो माइक्रोफोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी। तो प्रताप नगर की स्थापना दुर्बलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है। तो काला सागर नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो मैकियावेली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो दाहेज बंदरगाह स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन है। तो मिहिर भोज है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो इथाइल मरकरप्टन भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है। ये किसका मिश्रण होता है, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी। तो अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है। तो बेल की विकसित प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 24, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो अशोक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है। 19 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है। तो अमेरिका एवं रूस के। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। तो पाली में दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, और अभी ये दिवस निकल के गया है। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और आरएनए भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो अस्पर्शता के अंत से अनुच्छेद 17 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। तो 9.8 न्यूटन होता है। उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैश्विक वेस्टिट सूचक हैं। तो चित्र धूसर मृदभांड हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो 12756 किलोमीटर। मेडोना किसकी चित्राकृति है, तो मेडोना राफेल इटली की चित्राकृति है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर न्यूनतम रही। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में रही। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो पशुओं की चोरी का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में है। केरल राज्य में साइलेंट वैली है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उन्हें क्या पाया जाता है, विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है।
तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कोलेरा यानी हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। महिलाओं के ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किसके अभाव में बर्फ चलना कठिन होता है? घर्षण के कारण बर्फ चलना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने ही कार्यकाल में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। किसके सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की? तो पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। किसने लिखा था निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो भूपर पट्टी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक कौन सा है? तो निर्यात का विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अबलो नसानी अब ना नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में मिलती है। तो दोस्तों ये तो थे आज की सीरीज़ के टॉप 60 क्वेश्चंस। ठीक है, अगली सीरीज़ में फिर मिलते हैं टॉप 60 क्वेश्चन के साथ। और आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।